नमस्ते, आपको फिर से मेरी चैनल में स्वागत करती हूँ। पहले एक वीडियो में हम बताए थे कि कैसे जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों में मछली खेलेगा और भगवान जगन्नाथ की सिंहासन पर वरुण बैठा होगा, समुद्र कैसे पूरी शहर और भगवान जगन्नाथ मंदिर को डूबा देगा। ये कोई तूफान या साइक्लोन से नहीं होगा, एक बड़ा सा उल्का पिंड समुद्र में गिरेगा और एक सुनामी आएगा। अच्युत्यानंद मलिका में किस दिशा से सुनामी शुरू होकर किस दिशा पे जाएगा वो भी लिखा है। ये सुनामी पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में जाएगा, यानी पूरी जगन्नाथ शहर होकर आंध्र प्रदेश और जाएगा। ये भी आगे सच होगा। नासा भी एक रिपोर्ट दिया था कैसे भारत की बहुत सारी शहर कैसे पानी में डूब जाएगा। ये सब बात सिर्फ वो लोग जान पाएंगे जिनके पास दैवीय शक्ति होगा, और उनको अभी भी पता नहीं है उनके पास दैवीय शक्ति है। मैं आपको भगवान कल्कि के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है। इसीलिए भविष्य मलिका में भी महापुरुष अच्युत्यानंद ने लिखा है कि ये मेरी भविष्य मलिका सिर्फ और सिर्फ जो भक्त है उनके लिए है, और जो नहीं मानेगा उनको कभी भी भविष्य मलिका के बारे में मत बताना, और आप बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। इसीलिए मैं आपको अनुरोध करती हूँ, जो सनातन धर्म और भगवान कल्कि के बारे में जानना चाहता है वो ही सिर्फ वीडियो को देखे। मलिका में लिखा जो भक्त सनातन धर्म मार्ग पर रहेगा वो ही भगवान कल्कि को दर्शन करेगा और भगवान की लीलाएं देखेगा। खंडगिरी में लाखों साधु तपस्या कर रहे होंगे और कलयुग की आंत की समय पर लाखों भक्त खंडगिरी में एकत्रित होंगे, यानी भुवनेश्वर में खंडगिरी गुफाओं में लाखों साधु तपस्या कर रहे होंगे। आगे भी उस जगह पर भक्त आएंगे, लेकिन उस खंडगिरी पे क्यों लाखों भक्त आएंगे वो भी मलिका में लिखा है। कारण वहाँ पर स्वयं भगवान कल्कि लीला कर रहे होंगे। अमावस्या और संक्रांति जब एक दिन में पड़ेगा, ये एक बार नहीं बार बार पड़ेगा। अमावस्या और संक्रांति एक साथ कभी भी नहीं पड़ता, लेकिन महापुरुष अच्युत्यानंद ने लिखा है अमावस्या और संक्रांति एक साथ, जब उस समय के बाद जो लोग खुद को ज्ञानी और जो खुद को सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कह रहा होगा उसके पास ना रहेगा ज्ञान, ना रहेगा धन, सब हो जाएगा नष्ट। आनी 2018 में अमावस्या और संक्रांति एक साथ पड़ चुका है। उसके बाद बाद आप देखा ही होगा कैसे कितना तूफान आया और कोरोना जैसे महामारी आया। जो खुद को ज्ञानी मानते वो भी कोरोना से बच नहीं पाए, और कितने ऐसे लोग खुद को पैसा वाला मानते थे लेकिन उस पैसा उनको बचा नहीं पाया और कितने लोग मर गए। इसीलिए महापुरुष अच्युत्यानंद ने लिखा है जिसके पास धर्म नहीं होगा वो आदमी सबसे बड़ा गरीब और अज्ञानी माना जाएगा। इतना कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी लोग सिर्फ पैसा के पीछे पड़े हुए हैं, कोई भी धर्म मार्ग अपना नहीं रहे हैं। आपने कर्म करिए उसके साथ धर्म मार्ग पर आए। महापुरुष अच्युत्यानंद ने मलिका में लिखा है और क्या क्या हो रहा होगा जब कलि युग का अंत समय आएगा। उस समय जो घुस लेके पैसा कमाया होगा उस पैसे को राजा जब्त करेंगे, और जो छिपके रखा होगा उसको बासुकी खा जाएगा और कोई पैसा वाला नहीं रहेगा। आप देखिए कैसे महापुरुष अच्युत्यानंद ने लिखा वो आज सच हो रहा है, यानी जो घुस लेके पैसा कमाया होगा उसका पैसा को राजा यानी आज की सरकार कैसे जब्त कर रहा है, और जो छिपके रखा होगा उसको बासुकी खा जाएगा, मतलब जो छिपके रखा होगा उस पैसे को बासुकी यानी धरती में मिट जाएगा। आप देखा होगा कैसे नोटबंदी हुआ था, लोग कैसे यहाँ वहाँ पैसा फेंक दिया। कुछ पैसा नदी में मिला, कुछ कुछ समुद्र की किनारे पड़ा था, कोई मिट्टी में भी दफना दिया। यानी महापुरुष ने कहा ये सब संकेत जब तुम देखोगे तुम जान लेना उसी समय से कलयुग का अंत शुरू हो गया, यानी कलि युग की अंत समय चल रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे धर्म मार्ग को अपनाएं।